get so tired choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. Samina, mina, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, this time for Africa. क्वेटा में चौथी खवातीन इंटर क्लब फुटबॉल लीग चैंपियनशिप में सूबे की चार टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहली दो पोजीशनों पर आने वाली टीमें इस्लामाबाद में खवातीन कौमी फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगी। खिलाड़ियों का कहना है हुकूमत अगर इन्हें अलहदा ग्राउंड फराहम कर दे तो इनकी कारकर्दगी मजीद बेहतर हो सकती है। ये मैचेज जो हमारे जोनल हो रहे हैं, दुआ यही करते हैं कि अभी इंशाल्लाह खेल तो हम रहेंगे जीत जाएं, और फिर अगर जॉन सी टीम जीतेगी तो वो नेशनल के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। हम बस गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमें एक सेपरेट वुमेन फुटबॉल ग्राउंड दे दें, क्योंकि हम हॉकी ग्राउंड में खेलते हैं और हम जब इस्लामाबाद जाते हैं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं वहाँ के ग्राउंड में एडजस्ट करने में। पाकिस्तान खवातीन फुटबॉल फेडरेशन की चेयरपर्सन का कहना है बलूचिस्तान को अलहदा जोन मिलने से सूबे के खिलाड़ियों को खेल के बेहतर मौके मैसर आएंगे। ये एक खुश आइन बात है कि बलूचिस्तान का अपना एक जोन बन गया है। यहाँ की बच्चियाँ और यहाँ के प्लेयर्स, यहाँ के अहदेदार, उनके लिए बहुत हौसला अफजाई की बात है कि यहाँ पे इतनी टीमें बन चुकी हैं कि वो अपना अपने जोन में खुद खेलें। सबसे खुशाइन बात यह है कि इस वक्त बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से भी बच्चियाँ जो हैं इस जोनल चैम्पियनशिप में, फुटबॉल चैम्पियनशिप में शामिल हैं, और ये एक काबिल फ़ख्र बात है कि इन बच्चियों को इस ग्राउंड तक लाना, इन पे मेहनत करनी और इनको इस काबिल बनाना कि ये इंटरनेशनल सतह पे भी और नेशनल सतह पे भी खेलें, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इस मौके पर मौजूद सुबई वज़रा का कहना है PSDP में बलूचिस्तान की खवातीन खिलाड़ियों को अलहदा ग्राउंड बनाने के लिए फंड मुख्तस किए जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि अपने खवातीन को हम सहूलत फराहम करें और बाकी सूबों के मद्दे मुकाबले में वो खेलें। इंशाल्लाह इस दफ़ा PSDP में मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर से पर्सनली खुद बात करूँगा और मोहतरमा से भी कहेंगे कि वो एक समरी बना के PND में PC1 के लिए पुटअप करे, तो इसको असेंबली में जो हमारा प्री बजट सेशन होगा कुछ करेंगे, कैबिनेट से अप्रूव करके फिर असेंबली में इसको पास कराएंगे। बलूचिस्तान की खिलाड़ियों ने खेल के मैदान में सूबे के लिए कई इजाजत हासिल किए हैं। अगर इन्हें बेहतर मौके फराहम किए जाएं तो वो मुल्क और कौम के लिए मजीद कारनामे सरंजाम दे सकती हैं। कैमरामैन खैर मोहम्मद बलोच के साथ इजाज़ अहमद भट्टी, समा, क्वेटा।